पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मुरादाबाद महानगर के कार्यकर्ताओं के द्वारा ओवैसी और राहुल गांधी का प्रकाश नगर चौराहे पर पुतला फूंका गया। ओवैसी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के समय जय फिलिस्तीन बोलकर एक विवादित टिप्पणी की। इसी प्रकार कल राहुल गांधी के द्वारा भी संसद में अपने भाषण के द्वारा हिंदुओं को हिंसक कहते हुए सभी हिंदुओं को हिंसा का प्रतीक बताया और कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंदू नहीं हिंसक हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ओवैसी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया, साथ ही कहा कि ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी के द्वारा देश से माफी मांगने की भी मांग की गई। संसद में आए दिन जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, पहले ओवैसी द्वारा जय फिलिस्तीन का नारा लगाया गया और उसमें ये देखा जाता है कि भारत माता की जय बोलने पर इन हुक्मरानों को दिक्कत होती है, खाते भारत कहाँ रहते भारत में हैं और जय फिलिस्तीन। और इसी हमारा तो बस इतना कहना है कि वंदे भारत या वंदे मातरम बोलने से इन लोगों को इतनी दिक्कत होती है, इस्लाम में ये सब हराम है, फिर जय फिलिस्तीन बोलना जायज कैसे हुआ। ओवैसी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, इसको संसद में घुसने लायक नहीं रहना चाहिए। और राहुल गांधी ने जिस तरह से कल हिंदू समाज का अपमान करा कि हिंदू को हिंसक बताया, ये कांग्रेस वामपंथी विचारधारा है जो कि हिंदुओं के लिए पहले से ही घृणा करती आ रही है। ये संपूर्ण हिंदू समाज के मुंह पर तमाचा है कि जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया आज इतनी सीटों पर इनके ये हत्या हैं। ये आए दिन जो है हिंदू विरोधी गतिविधियों का, कहीं पर अगर इस तरह से हिंदू हिंसक होता तो अमरनाथ यात्रा में हमें फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, हज यात्रा इतनी सुरक्षित ना होती। अगर हिंदू जिस दिन हिंसक हो गया उस दिन 56 इस्लामिक देशों का जो है रहना दुश्वार हो जाएगा और देखा जाएगा कि कौन कितना बड़ा अपने आप में तुर्रम खा है। इन लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी इन हरकतों को सुधार लें और ये लोग संसद में बैठने लायक नहीं है, नफरती गैंग चलाते हैं, मोहब्बत की दुकान नहीं नफरत की दुकान चलाते हैं। और जो पुलवामा अटैक हुआ उसमें कितने हिंदू थे, अमरनाथ यात्रा में कितने हिंदू ने हमला करा और जो आए दिन हमारे सैनिकों के साथ ये गतिविधियाँ हो रही हैं उसमें कितने हिंदू थे। तो इन सब के लिए अपना बजरंग दल तथा संपूर्ण हिंदू समाज इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि अगर ऐसे विरोध होते रहे, इस तरह की घटनाएं सामने आती रहीं तो सड़कों पर उतरकर अभी मांग की जा रही है कि यहाँ पर कुछ करा जाए, नहीं तो आगे जाके कुछ और भी कार्रवाई करी जा सकती है। इसलिए हम कमज़ोर नहीं, अपने धर्म की रक्षा के लिए हमने लंका भी जलाई है और महाभारत भी की है, तो ये ना भूलें कि हम बहुत सारी चीज़ें भूल गए हैं। आने वाले समय में जैसा जिसको समझ में आएगा उसी को उस भाषा में समझाया जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।